हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 नवंबर 2022। मैं हूं अभी गुड़गांव। दोस्तों, शाम का 7 बज रहा है। अभी हम अचानक से प्लान कर लिए कहीं घूमने निकलने का। हिमाचल में जा रहे हैं, जो कि आप सबको कल पता चलेगा कहां जा रहे हैं। इस ब्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन कल के डेट में। लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने केदारनाथ का देखा। केदारनाथ हम दिवाली पे गए थे, काफी आनंद आया था। क्या बताएं हम, मतलब केदारनाथ का हो सकता है एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, जर्नी का एक्सपीरियंस बताऊंगा और बजट बताऊंगा। लाइक कुछ मेरे फ्रेंड्स और कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप एक बार केदारनाथ जर्नी का बजट का वीडियो बना दो। काफी दिन से कहीं गए नहीं। केदारनाथ ट्रिप के बाद घर पे चले गए थे, क्योंकि बिहार का महापर्व था छठ व्रत। एक बिहारी पूरे साल कहीं भी रहे, छठ में घर ना जाए, ये तो हो नहीं सकता। फिर छठ में घर गए थे और आप लोगों ने देखा ही था कितना, मतलब लाइक हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग ट्रेन पकड़ पाएंगे, लेकिन छठ माँ की कृपा से ट्रेन हमारी छूटी नहीं और अभी वापस से गुड़गांव आ गए हैं। कल कुछ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, लाइक 25 नवंबर 2022 को एक मेल आया है, जो कि मेरे लाइफ का काफी इम्पोर्टेंट मेल है। शायद वो मेल मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है और देखते हैं उस मेल के बारे में हम कितना जल्दी आप लोगों से बात कर पाते हैं। हो सकता है 1 महीने में बात कर ले, 2 महीने में बात कर ले, 6 महीने में बात कर ले, सालों लग जाए या फिर बात ना कर पाए, लेकिन करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं करेंगे। गेस करने की कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा मेल आ गया, क्या है, कहां से मेल आ गया, कुछ गेस करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, जब वो दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, तो उस मेल के बारे में अच्छे से बात होगी। अभी लगभग पैकिंग हो चुकी है, जहां जाने वाले हैं वहां जाने के लिए बस 10 बजे रात की है, मजनू के टीला से। दोस्तों, 9:50 में मजनू का टीला पहुंच चुके थे, 10:05 में बस हमारी निकल गई। अभी 11:40 हो रहा है। खाने पीने के लिए फर्स्ट स्टॉपेज पे ढाबा पे बस रुकी हुई है, जो कि पानीपत से 20 किलोमीटर पहले है। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर 2022। गेस करिए हम कहाँ हैं। कुछ इस लोकेशन को देख के पहले अब बता देते हैं। अभी हम हैं हिमाचल में, सुबह का 7:25 हो रहा है। ये डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ अभी हम हैं, जस्ट एक टी ब्रेक के लिए बस हमारी रुकी हुई है। दोस्तों, ठंड काफी लग रहा है तो चाय ले लिए, जो कि 30 रुपए की है और कुछ खास टेस्ट भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम चलाएंगे। दोस्तों, मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ अभी काफी ठंड लग रही है। बस में चलते हैं, बस अब निकलने ही वाली है। अभी मैं मनाली में हूँ, वोल्वो बस स्टैंड पहुँच के बस से उतरे। वहाँ हमें कुछ एजेंट मिले, उन लोगों ने मुझे होटल तक ले गया। बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, पैकेज ले लो, 5,000 का, 4,000 का, अलग अलग पैकेज बता रहे थे, पैकेज ले लो। मेरे को तो पैकेज लेना नहीं था, खुद से एक्सप्लोर करना है। मॉल रोड से 5 किलोमीटर दूर आ गए हैं, सस्ते होटल और हॉस्टल के तलाश में। तो दोस्तों, स्टे हमारा कन्फर्म हो गया ऊपर हॉस्टल में, ठीक प्राइस में मिल गया। 300 रुपये पर डे के हिसाब से मिला, तो अच्छा है। भैया जी यहाँ रुकेंगे, देखते हैं आज का कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ का। दोस्तों, ये ट्रिप काफी ही रैंडम था, अकेले हम सोलो आ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सोचते सोचते दिन का 2 बज गया और अभी फिर फ्रेश हुए, फिर निकल रहे हैं। आसपास कुछ टेम्पल्स है, लाइक मनु टेम्पल, हिडिम्बा टेम्पल। सबसे पहले हॉस्टल का रूम टूर आप लोग को दे दूँ, तो ये रूम मिला है। इसमें है, ओपन होने के बाद इसमें 8 बंक बेड है। इधर वॉशरूम है, अच्छा खासा वॉशरूम है। ये लॉकर है, यहाँ आप अपना सामान रख सकते हो लॉकर में। और ये पीछे से भी बालकनी है, यहाँ से ये व्यू आता है पीछे से, ऐसा बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। मनाली तो आ गए, लेकिन सोलो ट्रिप में कुछ समझ में नहीं आ रहा उतना ढंग से क्या करें। तो अभी कुछ ऐसा प्लान किया कि मैंने अंकित को बोल दिया कि तुम निकलो, तुम आओ, शायद कल वो पहुंच जाएगा। तो हम लोग कल से स्कूटी रेंट करके कल से पूरा घूमेंगे, सिसु जाएंगे और भी दूसरी जगह जाएंगे। और ये सब पूरा हॉस्टल कैंपस है, काफी शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। वहाँ देख रहे होगे पहाड़ों पे बर्फ जमा हुआ है, इधर भी, तो काफी अच्छा व्यू आ रहा है। मैं इधर बालकनी में बैठ के बहुत आनंद ले रहा था इस जगह का, सोचे जा रहा था क्या करूँ कैसे करूँ। तो फिर ये है मनु टेम्पल, ये इंडिया का एकमात्र मनु टेम्पल है। तो
दोस्तों मनु टेम्पल घूम के हो गया। काफी शानदार मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ वहाँ रिकॉर्ड नहीं करा। मनु टेम्पल भारत में मात्र एक ही है जो कि यहाँ ओल्ड मनाली में स्थित है। मनु टेम्पल महर्षि मनु को डेडिकेटेड है। हर साल लाखों के संख्या में पर्यटक यहाँ भी घूमने आते हैं। जो भी लोग मनाली घूमने आते हैं लगभग लोग मनु टेम्पल घूमने आते ही हैं। अभी जाने लग रहे हैं फिर से वापस हॉस्टल की ओर। मेरा गोप्रो का बैटरी छूट गया है और ये वाली बैटरी सिर्फ अभी 40% ही बची है। बैटरी लेने के बाद हम हिडिंबा टेम्पल के साइड जाएंगे। दोस्तों बैटरी ले लिए और अब जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल की ओर। और ये जो बर्फ वाली पहाड़ दिखाई दे रही है ये है हम्पटा पास। ये जवानी या दीवानी मूवी में शायद रणबीर कपूर इसी पे चढ़े थे। काफी शानदार नजारा है, काफी अच्छा व्यू है हॉस्टल से। आप लोग यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो, ये लगाया रहता है और रात में यहाँ पे बोनफायर भी होगा। ठीक है, अकेले हैं, कोई भी नहीं है, फिर भी मजा आ रहा है, सेल्फ एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं कल तक अगर अंकित आ जाता है तब घूमने में और भी मजा आएगा, या फिर कोई और एक बंदा मिल जाता है तो थोड़ा दूर शिशु और एंड ऑल जहाँ भी जाना है स्कूटी लेके 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर जो भी चलाना है वो सही रहता है। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों गूगल मैप के अकॉर्डिंग हिडिंबा देवी टेम्पल यहाँ से 2.4 किलोमीटर के दूरी पे है। आज लोकल ही घूम रहे हैं तो कोई स्कूटी या फिर कुछ भी रेंट नहीं करें। थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है हॉस्टल तो शेयरिंग शायद नहीं मिलता है यहाँ से। दोस्तों 1 किलोमीटर से ज्यादा चल के आगे आ गए, अभी लगभग 1.5 किलोमीटर है। हालत नाजुक हो रहा है यार। ठीक है, थोड़ा सा शाम हो रहा है तो ठंडा बढ़ रहा है। इस रास्ते होके हिडिंबा टेम्पल जाना होता है। काफी शानदार जगह पे है, आप लोग देख सकते हो कुछ लोग आने लग रहे हैं उधर से। अभी जाने वाले में मैं अकेला ही हूँ, देखते हैं ऊपर कितने लोग रहते हैं टेम्पल में। रास्ता काफी स्टीप है, गूगल मैप तो अभी 250 मीटर बता रहा, लेकिन कुछ लोग जो लौट रहे थे उनसे मैं पूछा तो वो लोग बताएं कि ऐसा लग रहा है कि 1 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि स्टीप रास्ता है, एनर्जी ज्यादा लगता होगा। और दोस्तों जैसे जैसे शाम हो रही है ठंड और बढ़ते जा रहा है। अभी मैं इंस्टा पे लाइव जा रहा हूँ, वैसे तो मैं लाइव वाइव जाता नहीं हूँ, लेकिन अभी मन कर रहा है थोड़ा लाइव दिखाने का। लाइव स्टार्ट हो गया। दोस्तों हिडिंबा देवी टेम्पल गेट पे आ चुका हूँ और यहाँ कुछ याक हैं। ये आगे है हिडिंबा देवी टेम्पल, यहाँ से दिखाई देने लग रहा है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ हिडिंबा देवी टेम्पल के बिल्कुल करीब और यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है, काफी बड़ी लाइन है, लाइन लगा के अंदर जाना होता है। देख रहे हैं मैं जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरा हॉस्टल थोड़ा दूर है यहाँ से और मेरे पास कोई व्हीकल्स है नहीं, मुझे पैदल ही जाना है। और यहाँ काफी लोग हिमाचली ड्रेस पहन के फोटो शूट कराने लग रहे हैं, काफी अच्छा माहौल है यहाँ, ठंड तो लगी रही है। दोस्तों अभी हम इतना पीछे लाइन में लग के जा रहे हैं टेम्पल में दर्शन करने। दोस्तों हिडिंबा देवी टेम्पल का दर्शन करके आ चुके हैं। हिडिंबा देवी टेम्पल काफी प्राचीन मंदिर है। बेसिकली यह मंदिर हिडिंबनी देवी को समर्पित है, जिनका उल्लेख महाभारत में भीम के पत्नी के रूप में किया गया है। और ये काफी प्राचीन मंदिर है। सन 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह के द्वारा मंदिर की स्थापना और निर्माण कराई गई थी। ये सारा बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है। अभी फिलहाल शाम हो गया है और ठंड ज्यादा लगने लग रहा है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं अपने हॉस्टल की ओर। दोस्तों भूख लग गया था तो अभी खाने आ गए, मंदिर भी घूम लिए, दर्शन भी हो गया और उसके बाद पराठा भी खा लिए, तो अब निकल रहे हैं हॉस्टल की ओर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।